हाँ अब देखो सेकंड का फोर्थ पार्ट, बहुत बढ़िया पार्ट। फोर्थ और फिफ्थ दोनों एक से बढ़ेंगे, तो मतलब आई थिंक ये जितने भी अपने क्वेश्चन करें एक से बढ़े एक है, ठीक है। जैसे कि ये कह रहा है कि मीना 2,000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, यानी कि मीना वेंट टू ए बुक सॉरी बैंक सॉरी वीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2,000 रुपीज़। फिर उसने खंजांची, खंजांची का मतलब होता है कैशियर, कैशियर जो नोट देता है, कैशियर से ये कहा कि 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के नोट ही देना मुझे, ठीक है। तो 100 रुपये और 50 रुपये के नोट मांगे और कुल मिला के 25 नोट उस कैशियर ने उसको दिए, मतलब ऐसा मान लो, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के जो कितने कितने नोट मिले, 100 के कितने, 50 के कितने मिले, ठीक है। यानी कि शी आस्क द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज़ एंड ₹100 नोट्स ओनली। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, फाइंड हाउ मैनी नोट्स टू ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। बहुत शानदार, मतलब ये आपकी माइंड को शार्प कर देंगे ऐसे क्वेश्चन अगर आप ढंग से समझोगे तो। कहने का मतलब ये है कि 50 रुपये के नोट कितने, 100 रुपये के नोट कितने, लेकिन हमें कुछ भी नहीं पता, तो अपन को एक्स और वाई मानना पड़ेगा। जिस चीज़ का नहीं पता उसको अपन को क्या मानना है, एक्स और वाई। तो लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या, ठीक है, और वो अपन ने सपोज मान ली एक्स। इसी तरह लेट द नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट, यानी कि 100 रुपये के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या वो सपोज वाई। अब उसने कहा 2,000 रुपये उसने निकाले, 50 और 100 के नोट थे, ठीक है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त करे, पहली शर्त वहीं फिक्स हो गई। देखो हमेशा समीकरण फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट वो होती है जो फिक्स है। अब जैसे नोट कितने लिए उसने, 25, बस होगी हेल्प हमारी, क्या अपने ये लिख देंगे फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन यानी कि पहली शर्त। और पहली शर्त क्या है, पहली शर्त है कि नोटों की संख्या 25 है, तो 25 नोट है, तो 25 का मतलब एक तो 100 रुपये जो अपने माने थे 50 रुपये के नोट एक्स और 100 रुपये के नोट वाई, दोनों को मिला के 25 नोट है। नोटों की संख्या बराबर नोटों की संख्या, ठीक है, दोनों के नोटों की संख्या को जोड़ते हैं तो 25 होता है। इक्वेशन फर्स्ट अपना कन्फर्म पक्का हो गया, ये तो अपन को पता चल गया। फिर ऐसे ही अपन बात करते हैं सेकंड कंडीशन की, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन को ढूंढना पड़ेगा, सेकंड कंडीशन क्या है, मतलब कि दूसरी शर्त क्या है। और अब जो दूसरी शर्त, हमेशा देखो पहली शर्त इजीली मिल जाती है, पूरी जो जिद्दोजहद चलती है, पूरा मुश्किल काम जो चलता है वो सेकंड शर्त में ही है। सेकंड वो यूं कह रहा है कि मीना ने 2,000 रुपये के लिए बैंक गई थी, हाँ 50 रुपये 100 के नोट किए थे, सीधी सी बात है 25 नोट हो गया। अब सुनना, रुपये 2,000 थे, ये अपन को पता चल गया। 50 रुपये के नोटों की संख्या एक्स, इसका मतलब ये हुआ कि 50 रुपये के नोटों की संख्या एक्स, 100 रुपये के नोटों की संख्या वाई, और कुल मिला के 2,000। मेरी बात समझना, मैंने मल्टीप्लाई में एक्स क्यों लिखा कि सपोज 50 रुपये के नोट सपोज 5, तो मल्टीप्लाई तो किया ना। अब इसका अभी पता नहीं फिलहाल, इसलिए अपन संख्या को एक्स ले रहे हैं, ऐसे ही 100 रुपये के वाई ले रहे हैं। तो हमेशा जो भी नंबर ऑफ संख्या होती है नोटों से मल्टीप्लाई होती है, तभी तो आपस में मल्टीप्लाई होकर जुड़ के निकलेगी 2,000 रुपये, जितना भी आएगा वो देखा जाएगा। तो ध्यान रखना है मल्टीप्लाई में लिखना है, 50 रुपये को अपन है नोट की संख्या को एक्स से देखा है, तो संख्या को संख्या से मल्टीप्लाई, 100 रुपये वाले नोटों की संख्या को 100 रुपये वाले नोटों की संख्या से मल्टीप्लाई, मतलब नंबर से मल्टीप्लाई। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, थोड़ी बड़ी भारी वैल्यू है। जब इतनी बड़ी वैल्यू हो तो इसको इजी अगर बन सके तो बना लो, अपने देखा है बन सकती है। कैसे, बोले इसमें दोनों में 50 कॉमन है, ठीक है, और आगे भी 50 चला जाएगा, तो एक काम करते हैं 50 कॉमन ले लेते हैं इन दो में पहले। तो कॉमन लेने का मतलब बारी बारी मल्टीप्लाई करना, तो 50 का इस 50 में तो सिर्फ एक्स बचेगा, 100 में 2 और वाई का वाई बराबर 2,000। तो फिर एक्स प्लस 2y बराबर 2,000, और ये जो 50 मल्टीप्लाई में था वो अपॉन में चला जाएगा, 5 से 5 कट गया, ये 400 आ गया, ठीक है, सॉरी हाँ 540 आ गया, 40, ठीक है। तो एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 40, मतलब काफ़ी ईजी हो गया, ये इक्वेशन बन गई अपनी सेकेंड। चलो अब सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन बनने के बाद में तो कुछ है ही नहीं, अपन को उसको किस मेथड से करना है, एलिमिनेशन मेथड से, तो एलिमिनेशन से कर देंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन
मेथड यानी कि विलोपन विधि से, विलोपन विधि से एक बार इक्वेशन लिखते हैं अपन, x प्लस वाई बराबर 25 और x प्लस 2y इक्वल्स टू 40, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड जो अपन ने किया इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, हमने देखा एलिमिनेशन का मतलब या तो x की वैल्यू गायब हो चाहे y की वैल्यू गायब हो, दोनों में से किसी एक को गायब करना है, लेकिन गायब करने के लिए पहले दोनों बराबर होनी चाहिए। हमने देखा बराबर तो है, x x बराबर है, लेकिन दोनों का साइन सेम टू सेम है, तो कटेगी कैसे? जब दोनों में साइन ऑपोजिट हो। अगर साइन अलग अलग होते तो सीधा काम हो जाता। इसका मतलब बताओ, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपस में जोड़ेंगे या घटाएंगे, मतलब प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। वेरी गुड, यानी कि सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 25 और x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। घटाने का मतलब साइन चेंज करना होता है, प्लस करते तो साइन चेंज होते नहीं नीचे वाले, ये प्लस का था माइनस हो गया, प्लस का था माइनस हो गया, प्लस का था माइनस हो गया, इससे कट गया x से x कट गया। अब माइनस का 2y है और प्लस का 1y है, तो माइनस का 1y बचेगा, लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ y लिख देते हैं। माइनस का 40 है और प्लस का 25 है, तो माइनस का 15 बचेगा, 15 बचेगा, माइनस से माइनस कट गया, कंपेयर हो गया, तो y की वैल्यू 15 आ गई। ये माइनस से माइनस कट जाता है की बात है, अपॉन में चला जाएगा। मतलब ये बताऊँ कैसे कटते हैं, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि जैसे मैं आपको कुछ बच्चे क्या कि ये छोटे छोटे डाउट बन जाते हैं माइंड में कि कैसे हैं, मतलब कैसे कंपेयर। एक मिनट के लिए एक बात बताओ, मैं इस y को ऐसा लिख दूँ क्या, 1y, 1 into y, ठीक है, और मैं इस 15 को, जो ये 15 है, इसको मैं ऐसा लिख दूँ क्या, 1 into minus 15, फर्क पड़ा क्या? कुछ भी नहीं पड़ा भाई। यहाँ क्या था, माइनस वाई और माइनस 15 था, तो मैंने माइनस 1 into y, और चलो y को अपनी जगह ले देता हूँ, ये लो, ये तो वही तो किया, माइनस वाई अपनी जगह, माइनस 15 अपनी जगह, बस मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया। अब क्या हुआ कि ये जो माइनस है पहले यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, मतलब मैं इसको ऐसा लिख दूँ, बहुत बेसिक बात है लेकिन बहुत डाउट क्लियर कर दूँगा आपके, कि मैं इसको ऐसा लिख दूँ, ये ऐसा लिख दूँ, कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा, क्योंकि एक ही तो बात है, इस माइनस को भी यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, क्योंकि होना तो माइनस माइनस वाई है, वो कैसे, इसको भी लिखोगे तो भी माइनस वाई होगा, इसको भी माइनस वाई होगा, ये भी माइनस 15 ही होगा, ये भी माइनस 15 ही होगा। अब हुआ क्या कि ये ऐसे होता है कि ये माइनस 1 इंटू 15 आपकी जगह था, ये मल्टीप्लाई में नीचे चला गया, इससे ये कट गया, तो वाई 15 आ गया, ये बात है। लेकिन ये बहुत कॉमन सेंस है, इसलिए ये करके दिखाने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती, सीधा लिखा जाता है या तो ये या फिर ये, एक ही बात है। तो वाई की वैल्यू 15 आ गई। चलो अब क्या करेंगे अपन, द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन, कोई सी भी जो इजी पड़े वन में रख दो, ठीक है, y का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर, ठीक है, एक ये रहा x प्लस वाई की जगह 15 इक्वल्स टू 25, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 माइनस 15, तो x की वैल्यू हो जाएगी 10, बस 15 और 10 आ गई। पूछा क्या था, नोटों की संख्या, नोटों की संख्या निकाल देते हैं, देयरफॉर द नंबर ऑफ नोट्स, लेकिन अलग अलग निकालना, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स, 50 रुपीज नोट्स, अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोट को अपन क्या माना था, x, x कौन आया 10, तो 50 रुपये के तो 10 नोट है, हिंदी में ऐसे लिख सकते हो, और 100 रुपीज नोट्स हैं, वो हैं y, मतलब वो है 15 नोट। अब सुनो मेरी बात, क्या ये 25 कितने रुपये, 2000 रुपये हो रहे हैं क्या, देखते हैं तभी अपना आंसर सही वरना गलत है। 100 रुपये के 15 नोट है तो 1500 रुपये तो ये हो गए भाई, 100 के 1500 और 10 वो 500, वो तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो 2000, इसका मतलब अपन बिल्कुल सही है। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, आपका फोर्थ पार्ट आई थिंक है ना, सेकंड का फोर्थ पार्ट कंप्लीट।
हाँ अब देखो आपका फिफ्थ क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ी थ्योरी बड़ी थी इसलिए क्वेश्चन देख लो आप। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट थ्री डेज एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देर आफ्टर सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। ध्यान रखना ये क्वेश्चन वैसा ही है जो अपन ने पहले किया था, जो था ना वो रेंट वाला, जो जिस पर वो किराया भाड़ा वाला, वो क्वेश्चन वैसा ही है। फॉर ए बुक कैप्ट फॉर 7 डेज, इसका मतलब ये है कि एक किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय, लाइब्रेरी का मतलब पुस्तकालय का, प्रथम दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सेम टू सेम जैसे उसमें पहले फिक्स किराया था उसके बाद में अलग किराया था। सरिता ने 7 दिनों के ₹27 दिए, ठीक है, 7 दिनों के ₹27 दिए सरिता ने, और फिर उसने क्या करा, 7 रुपये अदा किए। जबकि सुसी नाम की अलग लड़की है, सुसी ने पुस्तक 5 दिन तक रखी और उसके उसने दिए ₹21, ठीक है, ₹21 दिए। तो अब आपको बताना कि नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। अब देखो सॉल्यूशन, क्वेश्चन बहुत टॉप लेवल का, देखना आप क्या गलती करते हो। अभी मैं सॉल्यूशन कराऊंगा तब आपको पता चलेगा, सॉल्यूशन में ध्यान देना, बहुत बड़ी गलती करोगे। अब हम ये जो कुछ मामला था सरिता और सुसी, अभी मैं इसको अच्छे से करा दूंगा, बस एक थोड़ी हिंट मिल जाए क्योंकि अपने पास क्वेश्चन नहीं है। तो देखो ध्यान से ही समझना है कि 7 दिन के लिए सरिता ने बुक रखी और ₹27 दिए, सुसी ने 5 दिन के लिए रखी और ₹21 दिए। लेकिन बात एक शर्त ये है कि जो 3 दिन है ना, 3 डेज, वो आपको बिल्कुल फिक्स्ड है, वहाँ आपको फिक्स चार्ज देना है, ठीक है। तो वो फिक्स चार्ज कुछ लिख लेते हैं अपन कि लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज, लेकिन कितना नहीं पता, ₹1 मान लेते हैं, ₹1 माना फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज भी लिख सकते हो, फर्स्ट 3 डेज माना प्रथम 3 दिनों का नियत किराया ₹1। ये बात अपने एक्स, उसको एक्स दिखा दिया। फिर सेकंड बात है कि फिक्स तो हो गया, और उसके बाद में जो नेक्स्ट डे से जो चलेगा एडिशनल चार्ज जो लगेगा, यानी कि एडिशनल चार्ज्ड फॉर ईच डे, प्रत्येक अगले दिन का किराया, प्रत्येक अगले दिन का किराया वो अपन मान लेते हैं सपोज ₹Y। अब मिटा दूंगा मैं भी, थोड़ी हिंट लेनी है उसके बाद मिटा दूँ, ₹Y, ठीक है। एक्स तो फिक्स 3 दिनों का, फिर आगे जो भी दिन आगे से आगे बढ़ेंगे वो एडिशनल चार्ज होगा ₹Y। अब बात करते हैं अपन फर्स्ट कंडीशन यानी कि पहली शर्त है सरिता के लिए, ठीक है, सरिता। और जो सरिता हैं, सरिता 7 दिन के लिए बुक रखती है, 7 डेज, लेकिन ध्यान रखना फिक्स चार्ज को अपन किससे दिखा रहे हैं, सरिता के लिए एक्स, फिक्स तो एक्स है ये, इसका मतलब ये एक्स का मतलब 3 दिन गए, ध्यान रखना फिक्स 3 दिन का ₹1 है वो, ये गलती करोगे आप तो पीछे कितने बचे फिर 4। तो सरिता ने बुक तो 7 दिन रखी थी, लेकिन 3 तो फिक्स चार्ज है वो लगेगा, चाहे कितने दिन रखो ना, 3 दिन तो काट के फिर उसके बाद में जो ऊपर दिन होंगे वो अलग से बात है, तो पीछे बच के 4 दिन। अब इनके उसने ₹27 दिए, बात समझ में आ गई, 7 दिन के ₹27 दिए लेकिन 3 दिन का तो फिक्स है उसका, एक्स हो गया। इक्वेशन फर्स्ट, बात करते हैं सुसी की, है ना, देख लेना स्पेलिंग वगैरह तो इतना समझते हो आप। तो ये जो सुसी थी इसने बुक रखी, 3 दिन का इसका भी फिक्स है, इसने 5 दिन रखी थी तो 3 दिन तो यहाँ चले गए, पीछे बचे सिर्फ 2 दिन क्योंकि 3 तो फिक्स चार्ज है, और इसने दिए ₹21, बात समझ में आ गई ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। क्यों बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि हर कोई ये 3 दिन माइनस नहीं करेगा, ये पक्की बात है, बहुत बार गलती हुई है इसमें, मैंने प्रैक्टिकली स्टूडेंट को देखा है, टेस्ट में देखे तो ये गलती होती है। तो x+4y = 27 और x+2y = 21 इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बन गई। इक्वेशन बन के बनने के बाद में अपन को कौन सी अप्लाई करना है मेथड, एलिमिनेशन, है ना, तो बाय एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन
विधि से। विलोपन विधि से हम जब भी करते हैं तो इक्वेशन तो अपने पास बनी हुई है ही, वन और टू। अब हम देखते हैं कि इक्वेशन में कौन सी वैल्यू गायब हो जाएगी। आराम से एक्स गायब हो रही है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। तो सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन वन। समीकरण दो को या फिर एक में से समीकरण दो को घटाने पर, घटाने का फायदा है क्योंकि अपन को साइन चेंज करने हैं, जोड़ तो सकते नहीं, जोड़ते तो फिर 2x हो जाएगा, जबकि जब माइनस कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे और कट जाएगा, ठीक है। x प्लस 2y बराबर 21, साइन चेंज हो गए क्योंकि अपन माइनस कर रहे हैं। ये तो मैंने रटा दिया आपको एक तरह से प्रैक्टिस करवा करवा के, ये कट गया। 4y में से 2y चला गया तो 2y प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है। 2y इक्वल्स टू 21 में 27 जाएगा तो 6 बचेगा क्योंकि प्लस का 27 प्लस की वैल्यू वो बड़ी है, तो 6/2 तो y की वैल्यू हो जाएगी 3। y 3 आ गया तो द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन, जो आपको इजी लगे, सारी इजी है, ठीक है। तो y का मान समीकरण एक में रखने पर, एक क्या है x प्लस 4, y की जगह 3, 27, x प्लस 12, 27, तो x इक्वल्स टू 27 माइनस 12, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 और 15, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15, ये लो x 15 y 3। पूछा क्या था क्वेश्चन में, ये पूछा था कि स्टार्टिंग में कितना चार्ज लगेगा, तो अपन लिख देंगे therefore the fixed charge for first 3 days, ठीक है। अतः पहले 3 दिनों का नियत किराया, नियत का मतलब फिक्स, जो बुक्स लेके जाते हैं लाइब्रेरी से तो उसका रेंट लगता है, वो वाली चीज़ है किराया, वो लग रहा है 15 रुपये, 15 रुपीज़, क्योंकि जो x की वैल्यू है वो स्टार्टिंग में फिक्स चार्ज है। फिर y को अपने दिखाया था उसके बाद में, ना, तो एडिशनल चार्ज लिख देते हैं अपन, एडिशनल चार्ज, अतिरिक्त किराया। 3 दिन तो 15 लगेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा लगेगा, अतिरिक्त 3 रुपये, मतलब हर दिन का 3-3 रुपये लगेंगे, ये एडिशनल चार्ज है, ठीक है। तो ये अतिरिक्त पर डे का है, या ईच डे का मतलब हर दिन 3 रुपये। इसका मतलब मैं अगर आपको राउंड फिगर में क्वेश्चन हो घुमा के भी पूछ सकता है, चलो मैं साइड में यह कर रहा हूँ एक्स्ट्रा है वो, लेकिन ठीक है ये एक्स्ट्रा है, चाहो तो साइड में कहीं कर लेना, लिख देता हूँ एक्स्ट्रा। क्वेश्चन में इतना ही पूछा था, आंसर निकल गया, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि क्या पता आगे और पूछ ले, हमेशा आगे की सोच रखो। कह देगी तो बताओ सरिता को कितने रुपये देने पड़े, ऐसा भी पूछ सकता है। हालांकि इसमें लिखा हुआ है 27 रुपये, लेकिन अगर इसको और कहीं घुमा के और पूछ ले तो सरिता ने 27 रुपये कैसे दिए होंगे, वो प्रूव करो, अपना आंसर सही है क्या, ये चेक कर लो कि अपना आंसर सही है क्या, चेक करते हैं ज़्यादा नहीं। तो ये तो समझ लो कि सरिता ने जैसे 15 रुपये तो सरिता ये लग गए उसके 3 दिन के, ठीक है, और सरिता ने कितनी बुक कितने दिन रखी थी, 7 दिन, तो 15 तो उसके यहाँ लग गए, ये तो फिक्स आ जाए 3 दिन का, फिर पीछे बच गए उसके 4 दिन, 4 दिन और पर डे लगेंगे 3 रुपये, तो 15 रुपये और प्लस 12 रुपये हो गए ना 27 रुपये, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ये तो सरिता का मैटर, सुशी के लिए करें तो 15 रुपये तो उसके स्टार्टिंग में लग गए, प्लस 2 दिन उसने और रखी थी तो 3 रुपये, तो 15 प्लस 6 रुपये, तो टोटल हो गए 21 रुपये, 21 लग रहे थे क्या उसके, 21 रुपये, बहुत ईजी है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो, हालांकि एक्स्ट्रा करके नहीं आना, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपने आंसर को चेक करने के लिए, जो रफ वर्क में कहीं साइड में कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट कंप्लीट, ओके।